हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वेक एंड स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर। टॉर्क स्लिप कर्व पर रोटर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। तो इसको जानने से पहले इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कर्व का हमें पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर टॉर्क स्लिप कर्व बनाया है इंडक्शन मोटर का। ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये हमारी स्लिप और रोटर स्पीड है। तो इस पर रोटर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कर्व, द चेंज इन अ रोटर रेजिस्टेंस इज ओनली पॉसिबल इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो चेंज इन अ रोटर रेजिस्टेंस है वो सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही पॉसिबल है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम है। ये है हमारा स्टेटर, ये है हमारा रोटर, ये है स्लिप रिंग, ये है एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। वी नो दैट जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू एस ऑफ ई टू का स्क्वायर आर टू डिवाइड बाई आर टू का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू एक्स टू। एस यहाँ पर स्लिप है, ई टू हमारी वोल्टेज हो गई, आर टू हमारी रेजिस्टेंस हो गई, एस स्लिप, एक्स टू हमारी रिएक्टेंस हो गई। और जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है के ऑफ ई टू का स्क्वायर टू इंटू एक्स टू। यहाँ पर ई टू हमारी वोल्टेज है, एक्स टू हमारी रिएक्टेंस है, रोटर साइड रिएक्टेंस। जो भी टू लगा हुआ है ये हमारे डिनोट कर रहा है रोटर साइड को। तो हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसमें जो रेजिस्टेंस है रोटर रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब जब हमारी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगी तो हमारी जो रोटर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी। पर जो मैक्सिमम टॉर्क है उस पर रोटर रेजिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम डायग्राम में। पहले इसमें हमने देखा कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू है। तो हमारी जब स्टार्टिंग टॉर्क ऊपर को बढ़ेगी तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी। इसको हम आर वन मान लेते हैं, ये हमारी आर टू, आर थ्री, ये हमारी रेजिस्टेंस बढ़ रही है और स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ रही है। ये हमारी मैक्सिमम टॉर्क है। इसमें बोला क्या गया है, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज, जब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रही है तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो हम रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं यहाँ पर आर टू पे। ये हमने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दी। और इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क है उसमें रोटर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट रहेगी, वो ना बढ़ेगी वो ना घटेगी। तो जो हमारी टॉर्क स्लिप कर्व है वो इस तरीके का बनेगा। अब रोटर रेजिस्टेंस आर थ्री पे देख लेते हैं। आर थ्री पे हमारा कुछ इस तरीके का करेगा, क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम टॉर्क है उस पर रोटर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है तो ये कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ हमारी स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो आर थ्री है वो हाई रेजिस्टेंस है, फिर आर टू हमारी मीडियम होगी, आर वन हमारी लो रेजिस्टेंस होगी।
देयरफॉर द अबव टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट। जो हमारी टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो हम उसमें से हमने कुछ ऑब्जर्व किया है वो किया है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस आर यूज फॉर टू ऑब्टेन द बेटर स्टेबिलिटी टू इन्हांस स्टार्टिंग टॉर्क। इसमें जो हम रोटर रेजिस्टेंस की मदद से स्टार्टिंग टॉर्क को इन्हांस कर रहे हैं और कंट्रोल द स्पीड, और हम जो मोटर की स्पीड को है कंट्रोल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग टॉर्क किस तरीके से इन्हांस कर रहे हैं हम रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके हमारी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इन्हांस हो रही है और स्पीड कंट्रोल भी हम रेजिस्टेंस की हेल्प से कर रहे हैं। ये था इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।